मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर शहर की सुरक्षा व्यवस्था को धाता बताते हुए एक बार फिर से अज्ञात बदमाशों ने एक ही रात में 3 एटीएम को गैस कटर से काटकर उसमें रखे लाखों रुपए के कैश को उड़ा दिया। एक एटीएम पड़ाव थाना क्षेत्र के साईं बाबा मंदिर का है, दूसरा एटीएम ग्वालियर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेवा नगर में है, जबकि तीसरा एटीएम महाराजपुरा थाना क्षेत्र के शताब्दीपुरम में स्थित है। बदमाशों के एटीएम काटने के तरीके से पुलिस को अंदेशा है कि एक ही गैंग की यह करतूत हो सकती है, क्योंकि तीनों ही एटीएम को एक ही पैटर्न से गैस कटर से काटा गया। खास बात यह भी है कि तीनों ही एटीएम में करीब करीब 15-15 लाख रुपए की रकम थी। कुल मिलाकर लगभग 45 लाख रुपए इस सेंधमारी में लूटा गया। पुलिस को कुछ संदिग्ध लोगों के सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जो कार में सवार बताए गए हैं। पुलिस इन्हीं सीसीटीवी फुटेज के जरिए आगे जांच बढ़ा रही है। शहर भर में चौकसा बढ़ा दी गई है। हर आने जाने वाले रास्ते पर पुलिस सख्ती से नजर रखे हुई है। पुलिस को शक है कि इस वारदात को एक ही अंतरराज्यीय गिरोह ने अंजाम दिया है। तीनों ही एटीएम तोड़ने का पैटर्न भी एक ही बताया गया है। इनमें 2 एटीएम एसबीआई के हैं, जबकि 1 एटीएम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का बताया गया है। ग्वालियर पड़ाव और महाराजपुरा पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच की आधा दर्जन से ज्यादा टीमें बदमाशों की पड़ताल कर रही हैं। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले का पटाक्षेप हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से एटीएम मशीनें तोड़ी गई हैं उससे पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। ये साईं बाबा के मंदिर के पास थाना पड़ाव क्षेत्र में और सेवानगर थाना पड़ाव क्षेत्र में, और इसके अलावा जो शताब्दीपुरम महाराजपुरा थाने के अंतर्गत 2 थाना क्षेत्र के अंतर्गत 3 घटनाएं हुई हैं एटीएम की चोरी की, जिसमें कि एटीएम को काटा गया है गैस कटर से, और उसके बाद जो भी उसके जो बॉक्स रहते हैं उसमें सिर्फ ट्रे टाइप की है, वो ट्रे भी गायब है जिसमें पैसा रखा रहता है। तो ये 2 एसबीआई के, एक सेंट्रल बैंक का, सेंट्रल इंडिया का बैंक की जो एटीएम की चोरी हुई है, भी तोड़कर उसको पैसा ले जाया गया है। एक में कुछ 14-15 लाख बता रहे हैं, एक में 15-16 लाख, तीसरे की अभी फिगर अभी आया नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये इंटरेस्टेड गैंग होते हैं जो बाहर के गैंग होते हो, उन पर हम काम कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच की 6 टीमें लगाई गई हैं, पड़ाव और महाराजपुरा की भी टीमें लगी हुई हैं, 4 टीमें कुल मिलाकर 10 टीमें इस पर काम कर रही हैं। जल्दी ही सफलता मिलेगी। एक ही गैंग है या अलग अलग गैंग है? संभावना ये है, क्योंकि जिस तरह की जो एक ही रात में अगर ये घटनाएँ होती हैं तो ये माना जाता है कि एक ही गैंग है, और जो बाहर की गैंग होती हैं वो एक रात में जितना घटनाएँ करती हैं वो करके फिर पासिंग गैंग है ये, फिर चली जाती है। तो पॉसिबिलिटी यही है कि गैंग एक ही होगी। सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल एविडेंस, पीएसटीएन डाटा, ये सारी चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी कुछ फुटेज मिले हुए हैं, कुछ गाड़ी आइडेंटिफाइड कर रहे हैं, तो जल्दी ही हम उसको ट्रेस कर लेंगे।